Good morning, student. Exercise 4.4, question 1, part 1 and 2. Statement: find the nature of roots of the following quadratic equations. पहले हमें quadratic equations हैं ये दो given, इनका roots का nature बताना है और फिर क्या करना है, if the real roots exist, अगर exist करें find out उनको निकालना है. अगर root exist करें तो उनको find out करना. कैसे? First part is the same. अब हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इससे कंपेयर करेंगे हम, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5 और फिर हम हमारे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. फॉर्मूला बी स्क्वायर -4 एसी. B -3 4 A 2 C 5 B square minus 4 A C 9 14. तो क्या वैल्यू आ गई B square minus 4 A C minus 31. ये क्या आ गया? Less than 0. अब लेस देन 0 अगर तो रखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. रियल रूट्स नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की वो लेस देन 0 आ गई, 0 से छोटी आ गई, कम आ गई, -31 हो गया. इसलिए रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो यह छोड़ देगा हमारा सेकेंड पार्ट में हमें काम करना. पहले इसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन असाइनमेंट फॉर्म में इसे कंपेयर करेंगे, A 3 वैल्यू निकालेंगे, B -4.3 x और C 4. तो B की वैल्यू -4/3 इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, -4 की पावर -4 यानी 16. माइनस माइनस प्लस और प्लस 16 और अंडर रूट ऑफ स्क्वायर आंसर का अपने कैंसिल हो जाते हैं. ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये आया 3 मल्टीप्लाई 48 यानी मल्टीप्लाई 48 -48 इक्वल टू 0. अब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 0. अब इक्वल टू 0 हो गया तो जो रूट होंगे वो एडजस्ट करेंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. दैट्स of the given quadratic equation. As a gist, and तो एग्जिस्ट करेंगे तो उनको फाइंड आउट करेंगे. कैसे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -3 +9 बी स्क्वायर -4 एसी सारे के ऊपर आ गया और डिवाइड टू एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी की वैल्यू -4/3
ये वाली जीरो ए ए की वैल्यू थ्री माइनस माइनस प्लस ये सारा जीरो सिक्स फोर हो जाता और इसकी वैल्यू टू रूट थ्री बाई थ्री और इसके जो दो वैल्यू आएंगे तो दोनों सेम आएंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो जो इस इक्वेशन के रूट्स है ये रूट्स आगे तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे इक्वल टू तो एक रिड्यूस कर लो इसको ऐसे डिस्क्रिमिनेंट ए इक्वल टू जीरो आया तो दोनों रूट्स को हम इक्वल होंगे पहले एडजस्ट करेंगे चेक किया फिर इसके रूट्स निकाल। तो ये जीरो एक्सरसाइज 4.4 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट थे। अगला अपने खुद करना है मैं आप सब ऐसे ही जैसे फॉर्मूले से किए तो ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें के की वो वैल्यू निकालनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हमें दो जिस वैल्यू के लिए इनके इक्वल रूट्स होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले हमें काम कंपेयर करेंगे ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल टू जीरो जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू थ्री। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर एस इसको इक्वल टू जीरो के लिए एक वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर बी की वैल्यू के इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो किसके लिए है अगर ये जीरो के इक्वल होगा तो ये रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे तो वैल्यू भी वही आएगी। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट का जीरो होना जरूरी और ए की वैल्यू टू सी की वैल्यू थ्री इक्वल टू जीरो के की पावर टू और एट ट्वेंटी फोर स्क्वेयर हो जाएगा ट्वेंटी फोर और स्क्वेयर है ए की अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स ए की पावर टू ट्वेंटी फोर कैंसल के क्या हो गया फोर के इक्वल टू प्लस माइनस एज इक्वल रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देखिए वैल्यू अभी हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 24 तो अब सेकंड क्वेश्चन में करेंगे सेम ए एक्स टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी इतनी वैल्यू के एक बार इसको कर लेंगे एक्स टू कैसे ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस टू के एक्स सिक्स इक्वल टू सी। अब ए की वैल्यू के बी की वैल्यू माइनस टू के और सी की वैल्यू सिक्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट है के की वैल्यू रूट्स इक्वल होंगे तो इक्वल टू जीरो। हाँ जी बी की वैल्यू माइनस टू के ए की वैल्यू के सी की वैल्यू सिक्स ये हमें फोर के की पावर है और ये हमें फोर ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो। फोर से डिवाइड कर दो ये आ गई बाय फोर ऑन बोथ साइड क्या हमें के स्क्वायर और जो सिक्स के इक्वल टू जीरो के को हमने के माइनस सिक्स
rate value of k is equal to 0, rate value 3 minus 6 is equal to 0, k equal to 6. K equal to 0 is also same. Is not possible. Is possible here? So k equal to 6. ये वाला जिसके लिए जो इक्वेशन है वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे तो ये दो पार्ट थे k की वैल्यू निकालनी थी k की वैल्यू 0 हम लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सब 0 से ज्यादा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी तो k की वैल्यू निकालेंगे 6 थैंक यू